नमस्कार, आप देख रहे हैं लेवल स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। घुसपैठियों का होगा लंका दहन। जहां भी घुसपैठिए हैं, जिन घुसपैठियों ने झारखंड में अपनी लंका बसा रखी है, उनके संरक्षकों को हिमंता बिस्वा शर्मा साहब की साफ चेतावनी है। खुले लफ्जों में कह दिया है उन्होंने आज कि घुसपैठियों का लंका दहन होगा। एक तरफ उन्होंने यह कहा कि वो बीजेपी के हनुमान हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, झारखंड के चुनाव सह प्रभारी कह रहे हैं कि वो भाजपा के हनुमान हैं और झारखंड को स्वर्ण भूमि बनाएंगे, घुसपैठियों का लंका दहन करेंगे। त्वरित प्रतिक्रिया आई। चामुमो से सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा हमारे पास भी हनुमान है। हमारे हनुमान का नाम इरफान है। इरफान अंसारी साहब को हनुमान बताया। अब सीता की लाज कौन हनुमान बचाएगा, किस हनुमान से सीता की लाज बचेगी, सीता के सम्मान में प्राण गंवाने को तैयार हो जाएगा हनुमान, ये संथाल का रण बताएगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा अतिथियों के साथ। संथाल में हिमंता बिस्वा शर्मा की हुंकार, घुसपैठ को लेकर हेमंत सरकार पर वार, बांग्लादेशी घुसपैठियों में लगाएंगे आग, झारखंड को स्वर्ण भूमि बनाएंगे। तो घुसपैठियों का खिलाफ हमें आग लगाना है, झारखंड को स्वर्ण भूमि बनाना है। हिमंता बिस्वा के बयान पर बोला जेएमएम, हमारा भी हनुमान चुनाव लड़ रहा है। हम भी हनुमान को लगाए हैं, यदि वो वानर है तो हम भी वानर को लगाए। जेएमएम के हनुमान पर शिवराज का वार, सीता का अपमान करने वालों की लंका को जलाकर करेंगे राख। मैया का अपमान रावण ने किया था तो रावण का वंश सहित विनाश हो गया था, लंका जल के राख हो गई थी। तुमने भी बहन सीता का अपमान किया है, कांग्रेस और आरजेडी और जेएमएम के पाप की लंका को जला के हम राख कर रहे हैं। संथाल में कमल खिलाने में जुटे हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हेमंत सरकार पर करारा वार किया है। उन्होंने कहा है कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को हेमंत सरकार का संरक्षण है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हनुमान ने लंका में आग लगाई थी, उसी तरह बांग्लादेशी घुसपैठियों में आग लगाकर हम झारखंड को स्वर्ण भूमि बनाएंगे। हनुमान ने भी आग लगाया था ना लंका में, तो घुसपैठियों का खिलाफ हमें आग लगाना है, झारखंड को स्वर्ण भूमि बनाना है। घुसपैठियों का परिवार में आग लगेगा और झारखंड स्वर्ण भूमि बनेगा। हिमंता बिस्वा के बयान पर जेएमएम ने कहा है कि अगर हिमंता हनुमान है तो हमारा भी हनुमान चुनाव लड़ रहा है। हर बोली में आग, हर बोली में हिंसा, तांडव तांडव। और हेमंत बिस्वा शर्मा यदि क्या है हनुमान, तो वहां तो हनुमान एक लड़ ही रहा है। आपका भी है, हम भी हनुमान को लगाए हैं, यदि वो वानर है तो हम भी वानर को लगाए। सुप्रियो भट्टाचार्य का इशारा जामताड़ा के कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी की तरफ था। जेएमएम उसी इरफान अंसारी को हनुमान बता रहा है जिन्होंने सोरेन परिवार की बड़ी बहू के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिस तरह माता सीता का अपमान करने वाले रावण की लंका में हनुमान ने आग लगाई थी, उसी तरह सीता का अपमान करने वालों की लंका जलाकर हम राख कर देंगे। मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में इरफान अंसारी बैठा है, और नफरत के अलावा कुछ नहीं, ये तुम्हारी मोहब्बत की दुकान है। माँ बहन और बेटियों को बेइज्जत किया जा रहा है, और याद रखना हेमंत सोरेन, एक सीता मैया का अपमान रावण ने किया था तो रावण का वंश सहित विनाश हो गया था, लंका जल के राख हो गई थी। तुमने भी बहन सीता का अपमान किया है, कांग्रेस और आरजेडी और जेएमएम के पाप की लंका को जला के हम राख कर रहे हैं। संथाल के चुनावी रण में बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी लगातार इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। दूसरी ओर इरफान अंसारी को लेकर भी अब इंडी गठबंधन पर हमला तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत।
तमाम रिपोर्ट्स आपने देखे, संथाल का रण दिलचस्प हो गया है, लेकिन हनुमान कौन है? बीजेपी तो चलिए राम के नाम पर राजनीति का आरोप लगता रहा है बीजेपी के, बीजेपी राम के नाम पर राजनीति करती है, राम के नाम पे चुनाव जीत जाती है, राम के राम मंदिर के नाम पे वोट बटोर लेती है, चलिए मान लेते हैं। लेकिन अब गठबंधन की नैया भी कहीं ना कहीं राम के नाम पर ही भरोसे है, राम के नाम के भरोसे ही चल रही है। चुनावी भवसागर को राम के नाम से ही और हनुमान के नाम से ही पार लगाया जाएगा, और सुप्रियो भट्टाचार्य के हिसाब से उन्होंने एक वानर को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। वानर उनके पार्टी में कौन है, किसको मानते हैं, जो बता रहे हैं लोग, जो हमारे सहयोगियों का कहना है। एक बार रुक करते हैं, हमारे साथ प्रतुल चादेव साहब जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, कौन ओरिजिनल हनुमान है? एक तरफ हिमंता बिश्व शर्मा साहब भी आज कह रहे हैं कि मैं भी हनुमान हूं और घुसपैठियों की लंका दहन करूंगा, स्वर्ण भूमि बनाऊंगा झारखंड को। दूसरी तरफ सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे हैं कि हमारे पास भी हनुमान है, और ये बात इरफान अंसारी साहब बार बार कहते रहे हैं कि वो एक हनुमान है, हेमंत सोरेन साहब के हनुमान है। तो ये मानकर चला जाए कि इरफान साहब कोई हनुमान बता रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य साहब, या पता नहीं और भी कोई हनुमान छुपा कर रखा है उन्होंने अपने तर्कश में? हनुमान ने सीता का कभी अपमान नहीं किया था अभिषेक जी। आप देखें जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग इरफान अंसारी ने माननीय सीता सोरेन जी के लिए किया, एक आदिवासी बेटी की अस्मिता पर घटिया शब्दों का प्रहार किया, ऐसा कभी पहले झारखंड की राजनीति में नहीं हुआ था। मैं आता हूँ रामायण, राम और हनुमान, ये तमाम चीज़ें इंडी गठबंधन के मुँह से शोभा नहीं देती। अभिषेक, आपको याद है ना 2007 के सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में जब राम सेतु का मामला चल रहा था, तो इन्होंने शिपिंग लॉबिंग के प्रेशर में आके तत्कालीन यूपीए की सरकार, जिसमें जेएमएम भी शामिल थी, उसने कह दिया एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में कि रामलला तो काल्पनिक थे, सीता मैया का कोई अस्तित्व ही नहीं था और हनुमान जी का तो कोई ऐतिहासिक साक्षी नहीं है। ये इन्होंने ऑन एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में कहा था। तो आज कन्वीनियंस के हिसाब से ये तमाम हनुमान और राम की बात कर रहे हैं। और अभिषेक, कैसे बोल सकते हैं हम लोग, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री ने रावण दहन से इनकार कर दिया था, यानी उनके लिए रावण जो है वो मर्यादा का प्रतीक था। यानी देखिए, अभी जो प्रदेश में स्थितियां हैं, क्या ये रावण राज से कम की स्थितियां हैं? 7200-7400 बेटियों के बलात्कार हो गए, 7000 से ज्यादा हत्याएं हो गई, 2.5 लाख कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, जो डाइन की प्रथा के अनुसार अभी तक 40 बेटियों की इस वर्ष जान जा चुकी है। पूरे प्रदेश में अराजकता है, और ये रावण राज है कि नहीं, क्या है? और साहब, रावण के बारे में एक प्रचलित था कि वो कुछ भी पचा जाता था, तो इस सरकार के रावण राज में रावण रूपी सरकार और भ्रष्टाचार ने पत्थर को पचा दिया, पत्थर घोटाला हुआ, कोयले को पचा दिया, कोयला घोटाला हुआ, खनन को पचा दिया, खान घोटाला हुआ, इसी के साथ इन्होंने जमीन को भी पचा दिया, लैंड घोटाला हुआ, और तो और अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को भी घोटाला को पी डाला, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला हुआ। तो ये रावण राज का प्रतीक है, और इस रावण राज के अंत की शुरुआत होगी। आज जो जेएमएम तरह तरह की दलीलें दे रहा है ना साहब, उस समय दलीलें कहां चली गई जब ये 7400 रेप केसेस में एक तिहाई आदिवासी और अनुसूचित जाति से आने वाली बेटियों के साथ रेप केसेस हुआ, 25% से ज्यादा पॉस्को और जो ब्रेक के केसेस हैं उनमें अभी तक ये सजा भी नहीं दिला पाए। तो ये कैसा राम राज और रावण राज की बात कर रहे हैं, और इलेक्शन के समय कन्वीनियंस की राजनीति, सब हार के बहाने खोज रहे। अभिषेक, पहले चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, फिर राज्य निर्वाची पदाधिकारी पर आरोप लगाया, फिर दो ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाया जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बेमिसाल था, और अब मैं बताऊं 23 तारीख को जब हम और आप जुड़ेंगे ना, कि ईवीएम पर ठीकड़ा फोड़ने की कोशिश होगी। लेकिन इरफान अंसारी जैसे हनुमान जिस सरकार में हो उसका ईश्वरी मालिक है। अब मैं इनकी मर्यादा की बातों की बात करता हूं। कांग्रेस महिलाओं का किस तरीके से अपमान करती है साहब। दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन के बारे में संबोधन करते हुए रैली में कहा कि 100% टंच माल है। आप बताइए, सांसद थी कांग्रेस की, टंच माल जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये सड़क की भाषा बोल रहे थे दिग्विजय सिंह। और उसके बाद सीता सोरेन जी, सोरेन परिवार की मां समान बड़ी बहू, उनको इरफान अंसारी ने रिजेक्टेड माल कह दिया, और हम लोगों ने चुनाव में दिया है, प्रश्न भी है जो पत्रकार का कि आप सीता सोरेन से कितना क्लोज फाइट होगा, उसके बाद उन्होंने जवाब में रिजेक्टेड माल कह दिया। तो सोरेन परिवार में
बसंत सोरेन ने हल्का सा मुंह खोला, मुख्यमंत्री जी का ताला क्यों सिल गया है मुंह पे? क्या उनको अपनी बड़ी भाभी की अस्मिता का इज्जत पे उछालने वाले व्यक्ति को उसी कैबिनेट में रखने का हक है जिस कैबिनेट के वो मुख्यमंत्री है? साहब कुछ महीने पहले तक उनके पार्टी में थी, माननीय विधायक थी, और वो सब छोड़िए साहब, उनकी मां समान बड़ी बहू है। उन पर कीचड़ उछालने वाला, रिजेक्टेड माल कहने वाले लोग अभी हेमंत सोरेन की कैबिनेट की शोभा बता रहे हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा इनको हनुमान करी, हनुमान नहीं, ये महिषासुर रूपी लोग हैं जो राज्य का नाश करके रहेंगे। और देखिए ताजा उदाहरण डॉक्टर अजय कुमार का है, जब उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी से हमारी युवा प्रत्याशी पूर्णिमा साहू जी के बारे में चर्चा की तो कह दिया साहब उनकी तुलना बाजार में बिकने वाले माल से कह दी, कहा आप एक बाजार से जो सामान खरीदते हो ना तो उसके साथ तीन फ्री मिलेगा, और जो रघुवर जी के पुत्र हैं उनके भाई और देवर सबका नाम गिना दिया। तो क्या जमशेदपुर पूर्वी की हमारी कैंडिडेट पूर्णिमा साहू जी कोई बाजार में बिकने वाली माल है या बाजार में बिकने वाली सामान है? ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस करती है और लोग डिफेंड करते हैं साहब। अजय कुमार ने इसी तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में अमर्यादित भाषा में कहा था कि वो शैतानी सोच का प्रतिनिधित्व करती हैं। कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ वोट किया था, तो इनका आदिवासियों के प्रति क्या रिकॉर्ड रहा है कौन नहीं जानता। और गुवा गोली कांड की चर्चा हम हमेशा कहते हैं, ये उसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सत्ता में है जिन्होंने 7 आंदोलनकारियों को थाने के हाजत से निकालकर गोली मार दिया था, शिबू सोरेन को जिन लोगों ने जेल भेजा था। आज सत्ता के लिए मुख्यमंत्री उन्हीं के साथ है। इन तमाम चीजों को छोड़ दे साहब, परिवार की बड़ी भाभी उनकर ऊपर कीचड़ उछालने वाले इरफान अंसारी को झारखंड मुक्ति मोर्चा हनुमान कह रही है, इससे ज्यादा शर्म ना क्या हो सकता है अभिषेक? सीता की लाज कौन बचाएगा, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है प्रतुल सहदेव साहब। अब तो हनुमान ने सीता की लाज के लिए अपना सब कुछ गवा दिया, हर जगह पे तैयार रहे, लेकिन सीता की लाज अब कौन बचाएगा? अब तो हर पार्टी में एक हनुमान दावा कर रहा है हनुमान होने का। क्या कुछ कहा है क्या कुछ नहीं कहा, हमने जनता को कई बार सुनाया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन चुनावी रण में मर्यादाएं अगर तार तार हो जाएं तो निश्चित तौर पर कई बड़े सवाल होते हैं। आज एक बड़ा चेहरा कांग्रेस से अलका लांबा जी, जो कांग्रेस की महिला प्रमुख हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि कार्रवाई की जानी चाहिए इरफान अंसारी साहब पर, पार्टी के बाहर का व्यक्ति हो या पार्टी के भीतर का व्यक्ति हो, कार्रवाई करना चाहिए। प्रतुल जी, कार्रवाई कौन करेगा अभिषेक? कौन रोक रहा है कांग्रेस को कार्रवाई करने के लिए? इनके प्रभारी का कल आपने अपने टीवी चैनल में बयान दिखाया, उन्होंने कहा कि मैंने भी बयान को देखा, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, इरफान अंसारी पे कांग्रेस ने एक शो कॉज भी नहीं किया। साहब जिसके पार्टी के इतिहास में नैना साहनी जैसा तंदूर कांड हुआ हो, जहां एक बेटी का रेप करके एक कांग्रेस के नेता ने तंदूर की भट्टी में उसको झोंक दिया था, तो ये किस मुंह से बात करते हैं जांच करने की? साहब अभी तक क्यों शो कॉज नहीं हुआ इरफान अंसारी को? और सबसे बड़ा प्रश्न तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि वो उसको हनुमान कह रहे हैं, उसकी वानर कह रहे हैं जिसने सीता सोरेन जी के इज्जत पर कीचड़ उछालने का काम किया, रिजेक्टेड माल कह दिया साहब। और मुख्यमंत्री जी कब राजधर्म निभाइएगा, कब मुंह खोलिएगा? आपका जो चुप्पी है ना, ये सीधे तौर पर आदिवासी समाज इससे बहुत व्यथित है। और इरफान अंसारी के पूरे बयान पर जिस तरीके से कांग्रेस ने चुप्पी साध लिया, इक्का दुक्का नेताओं के अभी तक बयान आ रहे साहब, ये तो जो SC और ST के तो चैंपियन बने घूमते हैं ना कांग्रेस के, युवराज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनके मुंह में ताला क्यों लग गया है? क्यों वोट बैंक की राजनीति का डर है? इरफान अंसारी को कैबिनेट से निकाल देंगे तो अल्पसंख्यक वोट बैंक हो जाएगा। राजधर्म निभाइए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपके परिवार की मां समान बड़ी बहू की इज्जत पर किसी ने कीचड़ उछाला है, और आप अभी भी कैबिनेट में उसके सहयोगी है। आप फर्ज कीजिए अभिषेक, कैबिनेट की कोई मीटिंग होती है आकस्मिक, उसमें इरफान अंसारी हेमंत सोरेन जी के साथ बैठे रहेंगे, और हेमंत सोरेन जी के भाभी के बारे में उन्होंने रिजेक्टेड माल जैसे घटिया शब्दों का प्रयोग किया। डॉक्टर अजय कुमार पर कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने भाजपा की युवा उम्मीदवार पूर्णिमा साहू जी की तुलना बाजार में बिकने वाले सामान से कर दी, तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है साहब। और ये लोग ना 70,000 करोड़ का मुख्यमंत्री के सरकार पर घपले घोटाले का आरोप लगा, ये रावण राज नहीं तो क्या है? 1,20,000 करोड़ का
कोयले खनन का घोटाला लगा जो अदालत में विचाराधीन है धनबाद जिले में, तमाम बड़े अधिकारियों का नाम उसमें आया, तो 2,00,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप तो इस सरकार पे रह चुका है। और ये मांगते हैं 1,36,000 करोड़ रुपया, साफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सबका अनुपालन होगा, लेकिन हेमंत सोरेन जी कंफ्यूजन में नहीं रहे, भागते भूत की लंगोटी के सहित आप क्या सोच रहे हैं 1,36,000 करोड़ मिल जाए इसको भी डकार जाए, ये झारखंडियों का पैसा। और आपको तो स्पष्ट करना चाहिए मुख्यमंत्री जी, ये जो 1,36,000 करोड़ है इसमें यूपीए के शासनकाल में कितना बकाया था और उस समय आप लोगों ने कितनी आवाज उठाई थी, और आपके पिताजी तो कोयला मंत्री थे उस समय आपने क्या किया, और एनडीए के कार्यकाल में कितना बकाया था। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है उसका अनुपालन होगा अभिषेक, लेकिन हेमंत सोरेन को क्या हम ये पैसे देकर फिर ये पैसे की डकैती करवा दे। एक और झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस सरकार को मौका दे दे कि 1,36,000 करोड़ ये लूट ले, झारखंडियों के हक का सारा पैसा पाई उनको मिलेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और जब आदेश है तो पालन तो केंद्र सरकार को भी करना होगा। अब ये निर्भर करता है झारखंड की जनता पर कि झारखंड की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है या अलग अलग सरकारें चाहती है, क्या चाहती है झारखंड की जनता, ये जनादेश बताएगा जनता का। बहुत धन्यवाद प्रतुल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका तमाम बातें जो आपने कही जनता तक पहुंचाई बहुत धन्यवाद आपका। बांग्लादेशी घुसपैठियों की लंका में आग लगाएंगे हिमंता बिस्व शर्मा साहब। अतिथियों का रुख कर लेते हैं, पहले स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ आसू से संजय रंजन साहब है, संजय जी स्वागत है आपका। बीजेपी से रमाकांत महतो जी है, रमाकांत जी स्वागत है आपका। आरजेडी से राजेश यादव साहब है, राजेश जी स्वागत है आपका। और कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी साहब है, सनी जी स्वागत है आपका। आप चारों अतिथियों का स्वागत है। सवाल पे जाने से पहले, विषय पे जाने से पहले एक बार आपको सुना दूं हिमंता बिस्व शर्मा साहब ने क्या कहा है, किस संदर्भ में कहा है। विषय जो है आप देख रहे हैं घुसपैठियों का लंका दहन, घुसपैठ हुआ है घुसपैठ नहीं हुआ है, लेकिन घुसपैठियों की लंका कहां बता रहे हैं, कहां दहन होगा, एक बार सुनाते हैं आपको। जब सीता सोरेन जीतेगा जामतारा का विकास के लिए हम लोग सब कुछ करेगा और जामतारा को विकास, जामतारा तक विकास का गंगा लेके आओ। झारखंड पूरा अलग हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा और मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने का कदर में है। आज हमने 3 घोषणा किया हूँ। पहला, जब सरकार बनेगा हम NRC लाऊंगा, कानून का रास्ता से हम लोग घुसपैठियों को धक्का मार के झारखंड से निकालूंगा। दूसरा, झारखंड का जो भी बेटी को घुसपैठियों ने अपना जाल में फंसा के शादी किया है, उनका बेटा बेटियों को आदिवासी का मर्यादा नहीं मिलेगा। अगर पिता घुसपैठी होते हैं तो बेटा बेटी को हम आदिवासी का मर्यादा नहीं देगा। आदिवासी बेटियों को अगर कोई घुसपैठी शादी करता है तो ऐसा बेटी मुखिया का पोस्ट में चुनाव ना लड़े, तो हम कानून बना के वो व्यवस्था को भी हम बंद करेंगे। कुल मिला के पूरा संथाल परगना को हम घुसपैठियों से भी मुक्त करेगा। और घुस संथाल परगना में आज किसका दबदबा होगा, इरफान अंसारी, हमारे आलमगीर आलम। आज रुपया पैसा किसका घर में बरामद होता है, कोई आदिवासियों का घर में पैसा नहीं है, कोई हमारे मूलवासियों का घर में पैसा नहीं है, आप लोगों का घर में पैसा नहीं है, लेकिन आलमगीर आलम का घर में पैसा होता है। आज इरफान अंसारी का दुस्साहस देखो आप, क्यों ऐसा हो रहा, इसलिए ये सरकार घुसपैठियों को और इरफान अंसारी जैसा व्यक्ति को ये लोग संरक्षण देते हैं। तो हम ये वादा करता हूँ, सरकार आने दीजिए, सीता सोरेन जी को जो अभद्र भाषा का व्यवहार कर किया है इसका कारण इरफान अंसारी जेल जाना पड़े। अतिथियों के पास चलते हैं सीधे। कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी साहब, सुना आपने हिमंता बिस्व शर्मा साहब कह रहे हैं कि घुसपैठियों का लंका दहन होगा और इरफान अंसारी साहब को जेल भेजा जाएगा अगर हमारी सरकार आएगी तो।
देखिए हेमंत बिश्व शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए एक माननीय मुख्यमंत्री आसाम के आज, और आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लंबी चौड़ी भाषण उन्होंने दिया, मैंने देखा, और लगातार घुसपैठियों पे वो लगातार बोलते आए हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जी को सबसे पहले जो उन्होंने खुद से अपनी जुबान से एक्सेप्ट किया था कि असम में घुसपैठिए आए हैं, तो असम से तो वो बाहर कर नहीं पाए। जिस राज्य के वो मुखिया है, जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री है, उस राज्य में आदिवासियों को सम्मान तो दिला नहीं पाए। जो झारखंड के आदिवासी असम में बसते हैं उनको जो इनको सम्मान देना चाहिए वो तो सम्मान दे नहीं पाए। लगातार मैं देख रहा हूं झारखंड में ये कैंप किए हुए हैं और अनलग्न बयानबाजी किए हुए हैं, घुसपैठिए आएंगे, लंका दहन होगा। हेमंत बिश्व शर्मा जी को मैं चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, सबसे पहले अगर कहीं दहन करना है हेमंत जी तो आप असम में कीजिए जहां के आप मुख्यमंत्री है, वहां तो आप शक नहीं रहे। और रही बात घुसपैठ की, अभिषेक जी किसने रोका इन्हें? केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गृह मंत्री कौन? अमित शाह जी है। किसकी विफलता है? अमित शाह जी की विफलता है। लेकिन ये भाजपा वाले लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि पेट में दर्द होने लगेगा इनका। एक भी अगर राज्य में घुसपैठ हुआ तो इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो केवल और केवल भाजपा जिम्मेदार है और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जिम्मेदार है। लेकिन हेमंत जी नहीं मानेंगे क्योंकि हेमंत जी को हर दिन साबित करना पड़ता है भाजपा में कि वो कांग्रेस पार्टी से गए हैं। अगर वो कांग्रेस को तरह तरह की बातें नहीं बोलेंगे, गालियां नहीं देंगे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, तो उनकी दुकान चलने वाली नहीं है। उनको हो सकता मुख्यमंत्री से चेंज कर दिया जाए तो उनको भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में बोल करके बताना पड़ता है, जताना पड़ता है कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हार्डकोर वर्कर हूं, कार्यकर्ता हूं। अगर वो नहीं जताएंगे तो हो सकता है, चूंकि कांग्रेस के यूनिवर्सिटी से गया, मैंने पहले भी बोला, और कांग्रेस पार्टी से जाने के बाद जब वो मुख्यमंत्री बने उससे पहले उनके ऊपर लंबी चौड़ी आरोप थी, चिटफंड घोटाला का, इतने हजार करोड़ का। आपके पास अभिषेक जी सारा का सारा डेटा होगा निश्चित तौर पे। लेकिन जब वो भाजपा में गए तो सीधे तौर पे जो उनके पास सर्फ एक्सेल है जिसको ऐड भी नहीं करना पड़ता है और साफ सुथरा होकर के चले आते, उसी से हेमंत बिश्व शर्मा जी साफ सुथरा होकर चले आए। निश्चित तौर पे राज्य की जनता समझ रही है, केवल दिग्भ्रमित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। महागठबंधन की सरकार फिर से बनने वाली है और आप देखिएगा हम लोगों ने जो जो योजनाओं को धरातल पे उतारा है, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, ओल्ड पेंशन योजना, ऐसे अनेकों योजनाएं हैं अभिषेक जी जिसका लाभ राज्य की जनता को मिल रहा है, आम जनमानस को मिल रहा है। वो जब वोट देने निकलेंगे तो आप देखिएगा हमारा पिछली बार 48 प्लस था, इस बार 55 पार होगा निश्चित तौर पे। हमारा गठबंधन जो है महागठबंधन ने राज्य के विकास के लिए जो जो योजनाएं लाई है उन योजनाओं को राज्य की जनता चाहती है कि आगे भी ये योजनाएं चलती रहे। भाजपा आएगी तो भाजपा केवल आश्वासन देना जानती है, भाषण देना जानती है, जुमला देना जानती है। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपये, आपने देखा किस प्रकार इन्होंने जो आर्मी में नौकरियां मिलती थी उसको भी 4 वर्ष इन्होंने करके अग्निवीर योजना के माध्यम से जो परमानेंट नौकरियां थी उसको भी 4 वर्ष की नौकरियां कर दी। 4 वर्ष नौजवान जब नौकरी में जाएगा और 4 वर्ष के बाद रिटायर करेगा उसके बाद क्या करेगा? ये किसकी योजना है? ये भारतीय जनता पार्टी की योजना। बहुत सारा ऐसा योजना है जिन्होंने केवल और केवल भाजपा ने जुमला देने का काम किया। और हेमंत बिश्व शर्मा जी पहले अपने गिरेबान में जाके निश्चित तौर पे पहले असम से घुसपैठियों को बाहर करें, उसके बाद देश की बात करें और झारखंड की बात करें। उनको झारखंड में जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप देख रहे होंगे भाजपा में किस प्रकार खलबली मचा हुआ है, लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, हेमंत जी दूसरे दिन उसके घर पे चले जा रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता नॉमिनेशन कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान उसके घर पे चले जा रहे हैं। इतना भय है इनको कि कहीं हमारी सरकार नहीं आई तो पूरे देश में क्या माहौल बनेगा और देश में मुंह दिखाने के लायक नहीं है रहेंगे निश्चित तौर पे। आप देखिएगा अभिषेक जी और राज्य की जनता समझ रही है ये केवल और केवल दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। रही बात डॉक्टर इरफान अंसारी जी की, हमने भी डॉक्टर इरफान अंसारी जी का बयान को सुना, कहीं भी डॉक्टर इरफान अंसारी जी ने सीता भाभी का नाम नहीं लिया है और उसके बावजूद उन्होंने खुले मन से आकर के माफी मांगा कि अगर उनको थोड़ा भी ठेस पहुंचा है तो हम दिल से माफी मांगते हैं, भाभी है हमारी, वो मां सम्मान है। निश्चित तौर पे इसको एक नैरेटिव सेट करने का काम भाजपा कर रही है क्योंकि मुद्दे नहीं है इनके पास,
इन्होंने जिस प्रकार पिछले 17 वर्षों का सरकार चलाया झारखंड में, रघुवर जी हो, बाबूलाल मरांडी जी हो, अर्जुन मुंडा जी हो, लंबे समय तक तो इन्हीं लोगों ने राज किया, तो ठगने और छलने और लूटने का काम झारखंड को भाजपा ने किया है, हमारी सरकार ने अभिषेक जी नहीं किया। हमारी सरकार लाभदायक योजनाओं को लेकर आई है। आप देखिएगा जब महिलाएं घर से निकलेगी तो जब बटन दबेगा तो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में दबेगा और भारी बहुमत से हमारी फिर से सरकार बनेगी। अभिषेक जी, हमारे साथ रमाकांत महतो जी हैं। रमाकांत जी, आपने अभी सुना राजेश सिन्हा सन्नी साहब को, कई बातें कहीं, कई बड़ी बातें कहीं। इन्होंने बोला कि कांग्रेस की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हुई है हिमंता बिस्व शर्मा साहब की, लेकिन घुसपैठ रोकने में नाकाम रह गए। क्या कांग्रेस की यूनिवर्सिटी में घुसपैठ रोकने की पढ़ाई नहीं होती? रमाकांत जी, क्या लगता है बीजेपी को? देखिए, इन्होंने तो बड़ी लंबी चौड़ी भाषण दे दी सनी साहब ने, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने। मैं पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा दो चौपाई के उल्लेख करते हुए मैं बात को आगे बढ़ूंगा। जब किसी भी राज्य में या सेवा संस्थानों में बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लम पट पर धन पर दारा, और जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, जब ये पर धन और पर स्त्री पर और ये लंपट स्तर में जो चरित्र किसी समाज के बीच में आ जाती है, और महाभारत में कहा गया कि राज्य कालस्य कारणम, जो सेवादार होता है, जो प्रधान सेवक होता है राज्य का, वो उसका मूल कारण होता है। उनका ही चरित्र में यदि दाग हो तो समाज में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होगी ही। तो अकर्मोत्तम कारण विग्रह परधने परिवर्षिति च अस्प्रह, ये दुष्ट प्रवृत्ति का जो लक्षण है, लंपटों का जो लक्षण होता है शास्त्रीय आधार पे, वो लक्षण वहां दिखाई देने लगेंगे। बिना कारण के लड़ाई झगड़े होंगे, मां बहनों के इज्जत का माखोल उड़ाया जाएगा, उनका मान सम्मान नहीं किया जाएगा, धन को लूटा जाएगा, इस प्रकार की प्रवृत्ति की वहां पे बाढ़ आ जाएगी, और उसी को रोकने के लिए हनुमान जी का आना जरूरी हो जाता है। तो सात्विक पुरुष वहां पे आकर के इस प्रकार के लंपटों का जब दमन नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बजरंगबली जी इसी झारखंड के ही रहने वाले थे, अंजन धाम के थे, गुमला के, और उन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार पे और मां बहनों के सम्मान के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, और इस भारत भूमि के लिए, राष्ट्रीयता के और अखंडता के लिए जो लड़ाई लड़ी, और भारतीय संस्कृति के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसी लड़ाई की बात कर रहे हैं हिमंता बिस्व शर्मा जी और चौहान जी, कि ये लंका बना रहे हैं, ये यहां अधर्म हो रहा है, पाखंडपन ज्यादा हो रहा है, और ये कह रहे थे भ्रष्टाचार की बात, ये कह रहे थे कांग्रेस पार्टी में। भाई, सत्संगति किं नो करोति पुंसाम, जहां पे जिन लोगों के बीच में सत्संग होगा तो उसका कुप्रभाव तो दिखेगा ही। कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार का सत्संग होता है, तो इसलिए आज कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता आज सलाखों के पीछे हैं, और उनके सत्संग में जब भी झारखंड मुक्ति मोर्चा रही, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो, चाहे शिबू सोरेन जी हो, चाहे हेमंत सोरेन जी हो, उनको जेल की हवा खानी पड़ी, और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जमानत पे हैं, आरोप से मुक्त नहीं हुए हैं। और ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे, ये मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है। आपको यदि शुद्धिकरण करना है अपनी आत्मा का, और हृदय परिवर्तन करना है, और मानसिक को सुदृढ़ करना है, तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होइए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की सरकार माननीय मोदी जी की हो, चाहे इससे पहले एनडीए की सरकार थी, अटल जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बीच में हुई, एक भी भ्रष्टाचार पर अंगुली नहीं उठी। हेमंत सोरेन जी की जब सरकार बनी, हेमंत सोरेन जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, हुंकार भर रहे थे, दम भी भर रहे थे कि हमारी सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए की सरकार रही है झारखंड में, हम श्वेत पत्र जारी करेंगे। हमारे कई विधायकों पर, पूर्व मंत्रियों पर इन्होंने FIR दर्ज करा के रखी है, एक तो उनके साथ शामिल भी हो गई। अब उनका जांच रिपोर्ट अभी तक इन्होंने SCB के द्वारा अभी तक जांच करके क्यों नहीं दिया? हिम्मत था इनमें, इनमें सरकार में पुरुषार्थ होती तो उन्हें सलाखों के पीछे डालते, लेकिन आपने कुछ नहीं किया।
इसीलिए ये कह रहे हैं हमारे दो माननीय प्रभारी द्वय जो आ रहे हैं, ये कह रहे राम काज किन्ने बिनु मोही कहां विश्राम। हनुमान जी यही कह रहे हैं कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, सीता रामचरितमानस में सीता माता को शांति का प्रतिमूर्ति माना गया है, सीता को शक्ति माना गया है, सीता भक्ति की प्रतीक है, और जब तक शांति नहीं होगी ये यहां पे लड़ाई होते रहेगी इस रावण राज पर, और लंका दहन तो होगा और सलाखों के पीछे ये कानूनन बाहर भी जाएंगे, और जिस घुसपैठियों को ये संरक्षण और संपोषित कर रहे हैं उनका तो दहन तो निश्चित होगा। ये कह रहे थे कि केंद्र को हवाले दे रहे थे, आज एनआरसी क्या असम में नहीं है क्या, और असम में एनआरसी है तो किसकी सरकार थी उस समय केंद्र में, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी की सरकार में घुसपैठी होती थी, और जब उनके वहां पे असम सरकार में उसको आसमान भेज रहे हैं विश्व शर्मा जी, तो वो भाग करके बंगाल के रास्ते से यहां पर आ रहे हैं, ये सरकार उन्हें संपोषित और संरक्षित दोनों ही कर रही है, यहां के आदिवासी संस्कृति और अस्मिता को मिटाने का काम कर रही है, इसका जवाब जनता इस चुनाव में देगी। जनता चुनाव में देगी। सनी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, 30 सेकंड में बात पूरी कर लें। और दो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केवल झूठ और जुमला देने के लिए बैठे हैं यहां पे। अभी इन्होंने एक बात को कहा कि असम से भागने का प्रयास करने लगे जो घुसपैठिए थे और बंगाल के रास्ते झारखंड आ रहे थे, तो बॉर्डर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये कभी नहीं मानेंगे कि गृह मंत्री केंद्र सरकार की है, ये नहीं समझ पाएंगे, ये कभी नहीं मानेंगे। ये बंगाल के माध्यम से अगर झारखंड घुस रहे हैं या बांग्लादेश के माध्यम से, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने ये दो बातें बड़ी अच्छी कही, पहला कि असम विश्व शर्मा कांग्रेस की यूनिवर्सिटी से पढ़े, ये सच्चाई है, कांग्रेस से ही उनकी राजनीति शुरू हुई। फिर आप कह रहे हैं कि असम में घुसपैठ हुआ है, और क्या आप मान रहे हैं कि कांग्रेस की यूनिवर्सिटी में घुसपैठ को रोकने जैसी कोई पढ़ाई नहीं की जाती, इसीलिए हिमंता बिस्व शर्मा फेल हो गए घुसपैठ को रोकने में, और अब फिर बीजेपी में आए हैं कि इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर घुसपैठ को रोक सके? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैंने ये नहीं कहा कि हमने कहा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी ने खुद से एक्सेप्ट किया कि हम खुद परेशान हैं घुसपैठियों से। नहीं, पूरी बात बताइए, उन्होंने अपने जुबान से कहा, आप याद कीजिए कि मैं खुद परेशान हूं घुसपैठिए से। मैं आपको पूरी बात सुना देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री अगर परेशान है तो सबसे पहले इलाज कहां करना चाहिए, कहां बाहर भेजना चाहिए? एनआरसी लागू है असम में, लागू हुआ तो वो आके झारखंड में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वो आके हमारे राज्य में तरह तरह की बातें केवल जुमला देने का काम कर रहे हैं कि लंका दहन होगा। अरे भैया, पहले लंका दहन करना तो अपने राज्य में कीजिए, आदिवासियों को सम्मान देना तो झारखंड के लोग जो असम में बसते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनको सम्मान देने का काम कीजिए। आप झारखंडियों का चिंता मत कीजिए, झारखंडियों का चिंता करने के लिए झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस पार्टी के नेता लोग हैं, निश्चित तौर पे केशव कमलेश महतो के नेतृत्व में। आप देखिएगा, हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी सरकार दोबारा बनेगी, कर ले हल्ला जितना हल्ला करना। ये आप मुझे कांग्रेस से पहले व्यक्ति मिले जिन्होंने कहा केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे, नहीं बिल्कुल, और ये अच्छी बात है, गुलाम अहमद, ये आपकी अच्छी बात है, लेकिन अभी तक जितने भी आपके आते हैं प्रवक्ता जो भी मतलब मिलते हैं तो वो कहते हैं हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए महागठबंधन, देखिए कल आपने आज मीडिया की सुर्खियों में भी देखा होगा, सनी साहब सुनिए भी, थोड़ा सुन लीजिए, आप लगातार बोल रहे हैं हमारे पार्टी के नेता, आरजेडी के नेता, सभी लोग मिलकर के सुबोध कांत सहाय साहब ने कल एक मीडिया को बात करते हुए ये कहा कि हम लोग महागठबंधन में पीछे चलने के आप आदि हो गए, कहीं ना कहीं कांग्रेस चपरासी वाली स्थिति में आ गई, ये कहा हुआ उनका सर, आज अखबारों की सुर्खियों में आप देख सकते हैं, ये कोई मेरी टिप्पणी नहीं है क्योंकि मेरी टिप्पणी को लोग सीधे मुझसे जोड़ ले रहे हैं। असम हेमंता बिस्व शर्मा ने यह कहा था कि मैंने घुसपैठ पर कई बार कांग्रेस की सरकार को बताया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये कहा था उन्होंने, और मैं घुसपैठियों से परेशान हो गया, 30 लाख से ज्यादा घुसपैठी है, उनकी पूरी टिप्पणी यहां। चलिए उस पर कभी और चर्चा करूंगा। एक बार राजेश यादव साहब हमारे साथ हैं। राजेश जी, आरजेडी अपने आप को कैसे देख रही है पूरे मामले में? आरजेडी सीटों के बंटवारे को लेकर बात करें, क्या पहले तो ये भ्रम थोड़ा दर्शकों का भी साफ कर दीजिए कि सीट शेयरिंग फाइनल हो गई, कितने सीट पर जेएमएम है, आरजेडी कितने सीट पर लड़ेगा, कांग्रेस कितने सीट पर लड़ेगा, क्योंकि भाकपा माले अब आज धनवार से भाकपा माले से भी प्रत्याशी उतार दिया गया है राजकुमार जी, और दूसरी तरफ से निजामुद्दीन साहब भी प्रत्याशी हैं, तो सीट शेयरिंग फाइनल हुआ आरजेडी का कि संथाल में भी कुछ तरीके से, क्योंकि कई जगह भागलपुर
बांका, कई ऐसे इलाके हैं बिहार के जो संथाल से जुड़ते हैं और आरजेडी को बिहार की मजबूत पार्टी मानी जाती है, मजबूत दल है आपका, क्या संथाल में भी सीट मिलेगा आरजेडी को? आपका यहाँ विधायक साहब का इरफान अंसारी जी का बयान था और कहा जा रहा है कि इरफान अंसारी जी ने माननीय विधायिका है, विधायिका है और सम्मानित नेत्री है और इस संभ्रांत परिवार से है राज्य के, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा है, उनका बयान आपने सुना होगा। सीता सोरेन जी का नाम नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने माफी मांगा और भाभी, बड़ी भाभी, उन्होंने कहा कि माता के समान होती है और हम समझते हैं कि जितना इरफान अंसारी ने नहीं उनको कहा एक बाल, उतना भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार प्रसारित कर रहे हैं, उनको अपमान यदि कोई कर रहा है अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उनको जो उकसाया जा रहा है। और जब सवाल होता है राजनीति में, आपने भी कहीं देखा होगा कि अभी कोई बोल देता है तो माफी मांगा जाता है, माफी मांग लिया इरफान अंसारी ने, तो फिर बार बार इस बात का उल्लेख भारतीय जनता पार्टी और विश्व शर्मा के माध्यम से, बहुत सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, इस तरह का बयान देना कि हम हैं, तो एक हम समझते हैं कि उनको अपमानित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और ये अपमानित कर करके राज्य की जनता के प्रति के बीच में एक गलत भ्रम पैदा कर रहे हैं, लेकिन राज्य की जनता अच्छी तरह समझ रही है। और हम समझते हैं कि राजनीति में आप इतना दिन से आप हैं, कोई आदमी बोल देता है, बहुत बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या क्या बोल दिया हमारे आदरणीय कांग्रेस के नेता के बारे में, कांग्रेस के राहुल गांधी जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला, लेकिन माफ़ी मांगा लोग माफ़ किया, लोकसभा में क्या क्या नहीं बोला, और इरफान अंसारी ने जब माफ़ी मांग लिया तो इस पर तो भारतीय जनता पार्टी को चर्चा करने का कोई नया अधिकार नहीं लगाता है, एकदम गलत ढंग से लोग प्रसारित कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है आपका डेमोग्राफी, चिंतन बार बार बोल रहे हैं हिमंता जी, सर मेरा आपसे दोनों सवाल नहीं, दोनों ये सवाल तो सुन लीजिए हिमंता जी, और हम आपको बता दे रहे हैं आपके माध्यम से जी कि भारतीय जनता पार्टी का हार का कारण यदि कोई इस राज्य में बनेगा तो एस विश्वकर्मा जो हैं बोल रहे हैं ये हार का कारण बनेंगे ही बनेंगे। जिस तरह से पिछली सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री अभी महामहिम राज्यपाल हैं, उन्होंने पति पत्नी की सरकार, बेटा बेटी की सरकार कह कह करके राज्य की जनता को अपमानित करने का काम किया, आज वही बात हेमंत विश्वकर्मा जी कर रहे हैं जो राज्य की जनता बर्दाश्त करने वाले नहीं, हमको लगता है इस बार भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ तक सवाल आप बोल रहे हैं शेयरिंग पार्टी का, तो राष्ट्रीय जनता दल का हम लोगों को 7 सीट पर बातचीत हुआ है, फाइनल हो गया, फाइनल है, और जहां तक, सर? नहीं फाइनल है, और कांग्रेस पार्टी ने भी 2 सीट पर उम्मीदवार खड़ा किया है, कर दिया है, उस पर राष्ट्रीय नेता हमारे जो हैं माननीय वे बात कर रहे हैं और हम समझते हैं कि बात बन जाएगा, कोई विवाद नहीं है। और महागठबंधन में कोई मतलब बताइए नहीं, महागठबंधन कोई भी बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी मत ले लीजिए, अभी देख लीजिए कौन कौन कहाँ कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, उसमें तो इतना भारतीय जनता पार्टी के अंदर विवाद है लोगों में। सर अपने दल का निकल कर व्यक्ति बाहर केस कर रहा समझ में आता है, लेकिन आपके प्रत्याशी उतर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी भी उतर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी उतर रहे हैं तो माले भी उतर रहा है, नई कोई बात नहीं है, नहीं नई बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन निर्दलीय लड़ना मैं समझता हूँ, राजनीति में होता है, मैं निर्दलीय राजनीति में कभी दोस्ताना संघर्ष भी, राजेश साहब मैं निर्दलीय दोस्ताना संघर्ष नाम की कोई चीज राजनीति में होता है, आप जानते हैं मैं जानता हूँ अच्छे से, राजनीति में बहुत रिपोर्टिंग तय हो जाएगा, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, महागठबंधन बहुत मजबूती के साथ। संथाल में आपको बिहार से सटी हुई सीटें मिलेंगी, आरजेडी तो बहुत बड़ी पार्टी है बिहार की, क्या संथाल में कुछ सीटें मिलेगा आपको गठबंधन से? हमारा जो मांग था जहाँ जहाँ था वहाँ मिला है, हम अच्छा। कहीं नहीं बोल रहे हैं, हम संथाल में जेएमएम के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल रहता है गठबंधन में, कहीं बिखराव नहीं होता है, राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो है वो हमारा नेता का जो निर्देश होता है उसको मजबूती के साथ पालन करते हैं। आपके नेता का निर्देश लेकिन सर हर बार हर चुनाव में 72 घंटा का ड्रामा के बाद बदलता है, नहीं 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 ये बुरा मत मानिएगा, लोकसभा चुनाव में भी जनता हैरान हो गई कि आखिर आप लोग कैसे करते हैं। अच्छा ये बताइए सर कि अगर आपको 7 सीट पर ही लड़ना था, राजेश जी दर्शक देख रहे हैं, साफ सीधा सवाल पूछता हूँ, आरजेडी को अगर 7 सीट पर ही चुनाव लड़ना था तो फिर इतना ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा 3 दिन तक क्यों चला कि नहीं हम 12 सीट पर लड़ेंगे, 19 सीट पर लड़ेंगे? पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं,
कार्यकर्ता राज्यसभा के सांसद बोल रहे हैं सर, रखना कोई खराब बात नहीं, हमारे नेता ने ये आप हर चुनाव में फिर गठबंधन धर्म कहेंगे, गठबंधन धर्म का हम पालन करते हैं, रखा है वो तो दिखा मुझे, कांग्रेस और जेएमएम दोनों ने सामूहिक पीसी कर दिया कि भाई हम 70 सीट पर लड़ेंगे, अब छटपटाहट आपकी और भाकपा माले की हो गई, कोई छटपटाहट नहीं था, दर्शक जनता भी देखती है, आप भी जाएंगे अभी चुनाव में 7 सीट पर उतरेंगे ना सर, अभी हम लोग जब बोलना नहीं चाहते हैं, अभी आप परतूल जी की इतना बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिलवा दिए, पूरा इतिहास आपको सर कम समय दिया, आप अपना समय लेकर बता दिए, और इतिहास जब हम बताने लगेंगे इनका तो ये लोग कहीं टिकेंगे नहीं, किसका इतिहास, ये भारतीय जनता पार्टी का जरूर बताइएगा सर, जब बताएंगे समय जब 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 मैं दलों के नहीं है, जब नहीं है दलों के इतिहास पर चर्चा करूंगा तो आप दल के इतिहास पर चर्चा कीजिए, निश्चित रूप से बताएंगे मैं सर जरूर करूंगा, लेकिन मेरे दो सवाल आप नोट कर लीजिए, एक दुर्भाग्य रहा इस राज्य का कि राज बनते ही गलत लोगों के हाथ में सत्ता चला गया, मान लिया, मेरे आप दो सवाल लिख लीजिए, दलों का जब इतिहास पर हम लोग चर्चा करेंगे, ये दो सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि कोयला मंत्री रहते शिबू सोरेन को कांग्रेस की सरकार ने गिरफ्तार किया था, क्या आरोप था उनका, भाई बरी हुए, फिर बताइएगा, लालू प्रसाद यादव भी गिरफ्तार हुए थे कांग्रेस की सरकार में, क्या कांग्रेस की सरकार, सवाल अभी पूरा ही नहीं हुआ सर, क्या कांग्रेस की सरकार दबाव की राजनीति कर रही थी, क्या एजेंसियां स्वतंत्र उस वक्त नहीं थी, या एजेंसियां स्वतंत्र थी अपना काम कर रही थी, ये आप इसका जवाब सर तलाश कर मुझे जरूर बताइएगा, मैं जरूर आपसे दलों के इतिहास पर चर्चा करूंगा, क्योंकि राज्य देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और कार्रवाइयां कांग्रेस के समय भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कार्रवाई करने से कभी पैर पीछे किया है, मुख्यमंत्रियों के गिरवान तक अगर हाथ डाला है तो कांग्रेस नहीं डाला है, ये अलग मुद्दा है कि आज आप वॉशिंग मशीन कह लें लेकिन हाथ तो कांग्रेस नहीं डाला है। संजय रंजन साहब जी, कई सीटें जो टुंडी को लेकर भी आज था, टुंडी पर भी क्लियर हो गया कि टुंडी पर बीजेपी के प्रत्याशी उतरेंगे, सुदेश महतो को लेकर तमाम कयास चल रहे थे आंसू का, ये जो हनुमान वाली बातें आ गई हैं, घुसपैठियों का लंका दहन करने की बात है, संथाल को घुसपैठियों का गढ़ बताया जा रहा है, आप राज्य के पूर्व आईपीएस भी रहे हैं, नजदीक से आपने देखा है, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि 2023 में स्पेशल ब्रांच ने अपने राज्य की सरकार को पत्र लिखा था, तमाम एसपी को तमाम डीसी को पत्र लिखा था स्पेशल ब्रांच ने, और यह कहा था कि इस मामले की जांच कर सतत रिपोर्ट संलग्न करें, इसका अर्थ आप बेहतर समझते हैं, दूसरा कोई समझे या ना समझे, साफ तौर पर लिखा हुआ था कि संथाल में घुसपैठ हो रहा है, मदरसों में दस्तावेज बनाया जा रहा है, उसका उस पत्र का कोई जवाब आज तक स्पेशल ब्रांच को नहीं मिला है, कोर्ट को जो जवाब दिया गया कोर्ट ने उस पर आपत्ति जता दी। संजय रंजन साहब, अभिषेक जी, घुसपैठ बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर बहुत हल्की प्रतिक्रिया नहीं दी जानी चाहिए, ये सिर्फ इस राज्य के साथ नहीं है बल्कि कई राज्यों में ये घुसपैठ जारी है और निरंतर घुसपैठ जारी है, कश्मीर को आप उठा लें, वहाँ पर बीएसएफ भी है, सेना भी है, और लगातार आपने घुसपैठ की खबरें सुनी होंगी, हर हफ्ते कोई न कोई एनकाउंटर होता है, घुसपैठिए मारे जाते हैं, हमारा जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो भी बहुत लंबा है, कई राज्यों से मिलता है, और उतनी सरगर्मी आप समझ लें आर्मी के स्तर पर इस क्षेत्र में नहीं है जितनी कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है, घुसपैठ हो रहा है इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, घुसपैठ पर गहरी चिंता होनी चाहिए राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी, और मुझे लगता है कि इस बात को स्वीकार लेने में कोई हर्ज नहीं है कि घुसपैठ एक सच्चाई है, और इसको रोकने के लिए राज्य सरकारों को भी दमखम लगाना चाहिए और केंद्र सरकार को भी अपनी एजेंसियों को साझा एक टीम बना करके लगाना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो लोग जो संथाल के इलाकों में आकर बस गए हैं, जिन्होंने गलत तरीके से आधार कार्ड बनवा लिया है, अपना राशन कार्ड बनवा लिया है, अपना वोटर कार्ड बनवा लिया है, उसकी जांच, सघन जांच होनी चाहिए, और जो हमारे नागरिक हैं और जो हमारे नागरिक नहीं हैं, इनके मूल अंतर को समझने की कोशिश करनी चाहिए, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारी जो चीज़ें हैं, उसको हम दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे, ये बड़ा सेटल्ड सिद्धांत है, और किसी भी देश में, किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, इस पर आपको यही चर्चा मिलेगी। अभी मैं देख रहा था, जब ये बहस चल रही थी तो मैंने उठाकर देखा कि यूएस में क्या स्थिति है, तो हमने पाया कि लगभग 13 मिलियन यानी लगभग
1.3 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वहां पर। ये संख्या इतनी बड़ी थी कि मैं खुद हैरत में हूं। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश अगर मानता है कि उसके देश में लगभग 13 मिलियन ऐसे प्रवास... आप सोच सकते हैं पूरा विश्व जिस समस्या से ग्रस्त है। झारखंड कहा जा रहा है, झारखंड ठोक कर कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि नहीं है घुसपैठ, कह रहा है कि ये केंद्र की विफलता है। साहब पहले घुसपैठिए को पकड़िए, पूछिए कि कब घुसपैठ हुआ था, उसको देखिए कि उसके पास उसके दस्तावेज कब के बने हुए हैं, फिर आरोप लगाइए, केंद्र पे लगाइए, राज्य पे लगाइए, सब पे आरोप लगाइए, पहले पकड़िए। तो आधार कार्ड बनाने में, वोटर कार्ड बनाने में, पासपोर्ट बनाने में जो शिथिलता बरती जाती है स्थानीय एजेंसियों के द्वारा, इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को इतना कठिन बनाया जाना चाहिए कि एक भी आदमी गलत तरीके से आधार कार्ड ना बना पाए, वोटर कार्ड ना बना पाए, राशन कार्ड ना बना पाए। जब ऐसा होगा तभी जाकर के समझ में आएगा कि हमारे इल्लीगल माइग्रेंट्स कितने हैं। और ये इसको विवेक के स्तर पर लेना चाहिए, इसको राष्ट्रीय चिंतन के स्तर पर लेना चाहिए, पार्टी के स्तर पर नहीं। पार्टी के स्तर पर हम विवाद करें, एक पक्ष कहेगा हम जिसकी सरकार हो कहे कि नहीं साहब हमारे यहाँ इल्लीगल माइग्रेंट्स तो है नहीं, इमिग्रेंट्स है नहीं, हमारे यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त है। ये सब कहना बहुत हल्का कर देता है उस सत्ता पक्ष को जो अपने गुरूर में इन चीजों को वोट की राजनीति के आगे बहुत तुच्छ समझता हो। मुझे लगता है आज का ये जो गंभीर विषय जो शुरू हुआ था उसमें हम तीनों को इस बात को स्वीकारने में कतई एक क्षण नहीं लेना चाहिए था कि हाँ यह समस्या है और इस समस्या का निदान खोजा ही जाना चाहिए राज्य के स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर। ये पहली बात है। दूसरी बात, जो आदरणीय इरफान साहब ने जो टिप्पणी की है, मैं बड़ा भ्रमित हूं। अगर उन्होंने ये टिप्पणी की थी तो किस संदर्भ में की थी, ये भी स्पष्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, बताना चाहिए। और ऐसे बड़े सस्ते में, हल्के में ये कहकर निकल जाना कि हमारा संदर्भ कुछ दूसरा था, ये इससे बात कुछ हजम होती नहीं है। एक सरकार में एक मंत्रालय संभालने वाला व्यक्ति जो सरकार का प्रतिनिधित्व करता हो, अगर वो किसी विधायिका के बारे में इतनी ओछी टिप्पणी कर दे तो ये जो समाज है, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म की स्त्री हो, उसको लगेगा कि उसकी मर्यादा के विपरीत है बात कही गई। हम में से जो तीनों लोग यहाँ बैठे हैं, इस बात को स्वीकारने में क्या दिक्कत है कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए। तीसरी बात जो कही जा रही है कि हेमंतो साहब जो हैं कांग्रेस की यूनिवर्सिटी से निकले हैं, तो उस यूनिवर्सिटी में ही कहीं खोट है अगर आप मानते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि उन पे कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो उस समय तो वो कांग्रेस में थे और जैसे ही वो भाजपा में आए वो सारे आरोप धुल गए, तो आप मानते हैं कि आपके आपकी जब सरकार थी, आपके आपकी सरकार में वो जब सदस्य थे तो वो भ्रष्टाचार उस समय आपकी सरकार में हुआ। तो बिना सोचे समझे बहुत सारी टिप्पणियाँ कर देना, उससे बात बनती नहीं है। और आखिरी बात जो मैं कहूँगा वो यही कहूँगा जो समेकित रूप से कहना चाह रहा हूँ कि राजनीति में शब्दों की बड़ी मर्यादा है। बड़े यहाँ पे ऐसे राष्ट्रीय नेतृत्व करता हुए हैं जिन्होंने कभी अपने शब्दों की मर्यादा नहीं खोई और उन्होंने विश्व मंच पर भी ये साबित किया है। कई दफ़ा ये भी हुआ है कि विपक्ष का कोई व्यक्ति यूएनओ में जाके भारत का प्रतिनिधित्व करता रहा है। मतलब ये है कि राजनीतिक मर्यादाएं जो हैं उनका सीधा और सापेक्ष प्रभाव जो है वो जनता पे पड़ता है। आप क्या बोलते हैं साहब, आप क्या लिखते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब पब्लिक स्कैनर में, पब्लिक डोमेन में है। इसीलिए बोलते समय ठीक उतना ही भद्र रहिए जितना कि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी के समक्ष कोई दूसरा पुरुष हो। ये हमेशा याद रखना चाहिए, बेटियों के की अस्मिता के विरुद्ध, उनकी जो सत्ता है उसके विरुद्ध कुछ भी कहना अनुचित है। राजेश सिन्हा साहब कुछ जवाब देना चाह रहे, ये जो देश है यहाँ दुर्गा सरस्वती और बताऊंगा मैं बेटियों पर भी बताऊंगा। राजेश सिन्हा साहब पहले कुछ कह रहे हैं, राजेश सिन्हा साहब कुछ कह रहे हैं। देखिए दो तीन बातें हैं,
कहा जाता है। आजसू के प्रवक्ता महोदय ने कहा कांग्रेस यूनिवर्सिटी में ही खोट है। कांग्रेस पार्टी के जब हेमंत बिश्व शर्मा जी थे तो आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया था, कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगाया था। अभी आपको हाल फिलहाल की घटना बता दूं, आप चैनल आपके चैनल के माध्यम से भी हमने देखा और मैं अभी गूगल में भी दिखा दूंगा। लोकसभा में सदन चल रहा था, सदन चलते हुए गृह मंत्री का बयान आया, कोड़ा घोटाला किसने किया? कोड़ा घोटाला किसने किया? गीता कोड़ा जी थी सदन में, उन्हीं गीता कोड़ा जी को गृह मंत्री जी माला पहना के स्वागत करते हैं, उनको अपने पार्टी से टिकट देते हैं। मेरा कहने का यह मतलब है कि दूसरे दल में जब लोग रहते हैं तो भाजपाइयों को पचता नहीं है, पेट में दर्द होता है कि वो भ्रष्टाचारी है। ये तो कई बार कहा वो है। ये है वो है, लेकिन अगर वो भाजपा में चले गए तो उनसे साफ सुथरा कोई नहीं है भैया। ये तो आरोप है ही। ये भाजपा का जो नीति है और कथनी और करनी है ये पूरे देश के लोग देख रहे हैं, विशेष झारखंड में भी देखा लोगों ने। साहब कम शब्दों में, वक्त कम नहीं है। मुख्यमंत्री को इन लोगों ने परेशान करने का काम किया, जेल भेजने का काम किया। पूरे देश में एक आदिवासी मुख्यमंत्री थे माननीय हेमंत सोरेन जी, उनको इन्होंने 5 महीना जेल खटवाने का खटवाया। 100% इनके इशारे पे गुरुजी को जेल कांग्रेस ने खटवाया। इशारे पे सीबीआई ईडी चलती है, गुरुजी ये चाबी घुमाते हैं और ईडी सीबीआई पीछे से तो गुरुजी और लालू प्रसाद यादव 100% अभिषेक जी गुरुजी शिव सोरेन और लालू प्रसाद यादव आप इस बात को काट नहीं सकते। मैं पूछ रहा हूँ गुरुजी और लालू प्रसाद यादव अभिषेक जी आप ये क्यों नहीं पूछते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के ऊपर क्यों नहीं हुआ? मैं पूछ रहा हूँ अपने राज्य का, किसने किया? मैं अपने राज्य का पूछ रहा हूँ। सबसे बड़ा देश में आरोप किसके ऊपर है? दर्शक देख रहे हैं चौहान जी के ऊपर है। सनी साहब दर्शक देख रहे हैं, जवाब दीजिए। शिवराज सिंह चौहान प्रभारी है, शिबू सोरेन और लालू प्रसाद यादव झारखंड का प्रभारी बनाया गया। शिबू सोरेन और लालू प्रसाद यादव जेल भेजे गए क्यों? शिबू सोरेन जी और लालू प्रसाद यादव जी की आप जो बात कर रहे हैं, किसने जेल भेजा था आप जानते हैं? उस समय हमारी सरकार थी कि आपने भेजा था? आपने नहीं, सीबीआई भेजा था। सीबीआई ने भेजा था। जिस प्रकार ईडी और सीबीआई का इस सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल किया ये पूरी देश की जनता जानती है और देख रही है। सर जजों को जनता भी देख रही है। जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ जाता है। घुमा नहीं, मैं नहीं घुमाता सनी साहब, लेकिन हेमंत सोरेन जी चलिए वक्त कम है, सारा वक्त चला जाए। भाजपा ने भेजा अभिषेक जी, चलिए हेमंत सोरेन साहब को जेल भाजपा ने भेजा है या किस कारण से गए? क्योंकि 2 दिन पहले रवि तिग्गा नाम के एक व्यक्ति आए थे, आदिवासी नेता है, और उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि आदिवासी और पहनाई जमीन की हेर फेर नहीं हो रही है। चलिए मेरे गांव दिखाते हैं किस तरीके से पहनाई और भुईहरी जमीन का खरीद बेच चल रहा है, दस्तावेज बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब क्या मामला है भुईहरी जमीन का, जांच कराइए खुलकर। मैं पार्टी का नेता इंडिया में आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल दे रहा हूं ये बात को। नहीं, मेरे चैनल के माध्यम से मैं ब्रेक ले लेता हूं, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। 90% भाजपा के नेता जमीन में काम करते हुए मिलेंगे। चलिए पार्टी के लोग नहीं मिलेंगे। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं सर, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, एक ब्रेक ले लेता हूं। इरफान अंसारी साहब ने कहा था या नहीं कहा था ये अलग बात है, लेकिन इरफान अंसारी साहब को अभी भी एक बात बता रहा हूं, आखिरी में फिर बताऊंगा। रविंदर राय साहब ने आपको कोई नसीहत दी थी, आपने किसी मीडिया हाउस के सामने कहा था, मेरे इस बात को सर रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आपने हमारे प्रधान संपादक साहब को कई लोगों को फोन किया, इस बात को भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि वो नसीहत भी हमारे पास है, जरूरत पड़ेगी तो वो नसीहत भी आपकी चला देंगे। आप वो भी देखिएगा कि क्या नसीहत दी थी उन्होंने और क्या आपने टिप्पणी की थी।